चौहान में। मिंटू जी, अभी पीएम ने एक बयान दिया है कि सफाई जो है, लाल टोपी जो है, मतरा है, क्या कहना चाहेंगे? लाल टोपी से उनको ज़्यादा डर लग रहा है, इसीलिए उनको खतरा बता रहे हैं। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बहुत ज़्यादा डर इससे, और हम ही जानते हैं कि हमारी लाल टोपी उनको जो खतरा दिखाई दे रही है, ये खतरा नहीं है, हमारे आने वाली कल की भविष्य ही है। अभी जो है अखिलेश यादव जी ने जो है पलटवार करते हुए कहा है कि लाल टोपी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगी, क्या बोलेंगे? एकदम सही कहे हैं, इससे उनको डर प्रधानमंत्री को, इसलिए उसे ऐसा बोल बयान दे रहे हैं। कैसे बाहर का रास्ता दिखा सकती है, किन मुद्दों पर? अरे हमारे प्रधानमंत्री किए क्या है, उनको डर इसी बात का है, और कुछ किए भी नहीं ना कुछ कर पाएंगे, हम तो यही जानते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो हमारे जनता के बीच में खुशी मिले, कोई ऐसा काम नहीं किया है और नहीं करेंगे काम, हमको लग रहा है। आने वाले 8 साल बीत गया, कुछ किए नहीं आज तक, और ऊपर से उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या किए, कुछ नहीं किए हैं। मैं अमित कुमार सिंह। अमित जी, अभी पीएम मोदी ने एक बयान दिया है कि लाल टोपी वाले खतरा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो सही बात है, इस सफाई वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी अब बयान जारी करते हुए कहा है कि ये लाल टोपी वाले भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्या कहेंगे? वो कभी नहीं दिखा पाएगी। क्यों नहीं दिखा पाएगी? इसलिए कि उन्होंने इतना काम किया है कि जिससे कि कोई मतलब ही नहीं बनता है। और 2024 क्या, 2025, 26, 27, 28 जब तक रहेगी बीजेपी और काम करेगी। हाँ, आप कह रहे हैं काम किया है, सरसों तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। किस राज्य में कम हुआ है? तो आप पीएम मोदी के इस बयान को सही ठहरा रहे हैं? एकदम 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 100%। तो ये थे हमारे पीडीडीयू नगर के जनता, जिनका मिला जुला राय हमको देखने को मिला। ज़्यादातर लोगों ने अखिलेश यादव के सपोर्ट में कहा कि उनका जो बयान है वो सही है, और कुछ लोग पीएम मोदी के बयान को सही ठहरा रहे हैं। चंदौली से अमित कुमार की रिपोर्ट।